अमेरिकी प्रतिनिधि सभा की अध्यक्ष नैन्सी पेलोसी ताइवान की धरती पर पहुंच चुकी हैं। उनके ताइवान पहुंचते ही दुनिया की सांसें तेज हो गईं। ऐसा लग रहा है कि एक और युद्ध का काउंटडाउन शुरू हो गया है। चीन की धमकियों के बीच भारतीय समय के मुताबिक बीती रात 8:14 पर नैन्सी पेलोसी का विमान ताइपे में उतरा। विमान के लैंड होते ही पूरी दुनिया ने तनाव को बढ़ते हुए देखा। पेलोसी के विमान को एस्कॉर्ट कर लाया गया था, जिस पर हर पल अमेरिका की नजरें टिकी हुई थी। न सिर्फ अमेरिका बल्कि पूरी दुनिया की नजरें नैन्सी पेलोसी के इस दौरे पर थी। इसलिए जब नैन्सी पेलोसी का विमान ताइवान की तरफ उड़ान भर रहा था, तब रिकॉर्ड 7 लाख से ज्यादा लोग इसे ट्रैक कर रहे थे। इधर ताइवान में नैन्सी पेलोसी पहुंची और उधर राजनीतिक और सैन्य सरगर्मियां और तेज हो गईं। उधर चीन भी आनन फानन में 21 लड़ाकू एयरक्राफ्ट के साथ ताइवान की घेराबंदी करने निकल पड़ा। चीन की सेना यानी पीपल्स लिबरेशन आर्मी के युद्ध अभ्यास की वीडियो लगातार जारी किए जाने लगे। चीन की सेना के ये युद्ध अभ्यास पूर्वी चीन में आयोजित किए गए थे, जो ताइवान के करीब के इलाके में पड़ते हैं। माना जा रहा है कि चीन की सेना ने अपनी आर्मी, नेवी और एयरफोर्स की एक्सरसाइज इसलिए शुरू की थी ताकि ताइवान डर जाए और नैन्सी पेलोसी की ताइवान यात्रा टल जाए। अब चीन ने ताइवान को चारों ओर से घेरकर लाइव फायर ड्रिल करने का ऐलान किया है। ताइवान के चारों ओर 6 जगहों पर चीन की मिलिट्री एक्सरसाइज होगी। संकेत साफ है कि चेतावनी देते देते चीन ताइवान की स्थिति युद्ध तक पहुंच सकती है। हालांकि चीन के विरोध पर अमेरिका ने एक बार फिर ये दोहरा दिया कि वो किसी तरह का संकट पैदा नहीं करना चाहता है। अमेरिकी प्रवक्ता ने कहा कि अमेरिकी स्पीकर का अधिकार है कि वो किसी देश की यात्रा कर सकती है। As we said today and yesterday, no reason for China to take what is a perfectly legitimate and consistent travel by the Speaker of the House and turn it into some pretext for amping up the tensions or creating some sort of crisis or conflict. There's just simply no reason for that. Because she's not acting, we're not acting in any way inconsistent with the way we've been acting now for decades since the Taiwan Relations Act was passed into law back in the late अमेरिका भले ही किसी तरह के टकराव की आशंका से इनकार कर रहा है, लेकिन ये तय है कि मिलिट्री प्लेन से एक और बड़े अमेरिकी नेता के दौरे का संदेश चीन भी समझ रहा है। कुल मिलाकर ताइवान के दौरे को लेकर अमेरिका और चीन अब आमने सामने आ चुके हैं और एक और बड़ी जंग की आहट अब विश्व में महसूस की जा सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।